दोस्तों जैसे कि आप लोग जानते हैं कि फरवरी लग चुकी है 2024 के अंदर, और इस 2024 में सबसे ज्यादा जो कंटेंट सर्च किया जा रहा है यूट्यूब के ऊपर वो किया जा रहा है वॉइस को लेकर। एक्चुअली जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं जो अभी 2024 में जिन्होंने यूट्यूब चैनल को ओपन किया है वो सभी ये चाह रहे हैं कि उनकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाए, क्योंकि आजकल सभी के पास एक कैमरा तो बहुत अच्छा है लेकिन वॉइस के लिए उनके पास एडिटिंग सॉफ्टवेयर नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, उन लोगों को नहीं पता किस तरह से अपनी वॉइस को अच्छा किया जाए जिससे अटेंशन ज्यादा मिलता है यूट्यूब पर। तो दोस्तों आज जो वीडियो हम बनाने वाले हैं वो इसी चीज को लेकर बनाने वाले हैं कि आखिर 2024 में सबसे बेस्ट एप्लीकेशन कौन सा है मोबाइल या स्मार्टफोन के लिए जो हमारे लिए प्रॉपर वर्क करता है, एक अच्छी खासी हमें एडिटिंग करके देता है अपने यूट्यूब चैनल के लिए। तो आइए दोस्तों इसी के बारे में आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्सा हो। दोस्तों YouTube पर सबसे ज्यादा सर्च इस वक्त ये हो रहा है कि हम किस तरह से अपनी ऑडियो को एडिट करें, किस तरह से रिकॉर्ड करें, कौन सा एप्लीकेशन हमारे लिए बेनिफिट वाला है, कौन सा। देखिए तमाम सारे एप्लीकेशंस हैं मार्केट के अंदर प्ले स्टोर पर जिनसे हम एडिट भी कर सकते हैं, रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, लेकिन आज जिस एप्लीकेशन के बारे में हम लोग जानने वाले हैं वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशन है स्मार्टफोन के लिए। तो आइए बिना देरी किए मैं आप लोगों को बताता हूं किस तरह से रिकॉर्ड करते हैं, किस तरह से आपको एडिट करना है, कौन सी फंक्शनैलिटी को आपको अप्लाई करना है, कौन कौन से प्लगइन्स आपको अप्लाई करने हैं अपने स्मार्टफोन से। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों जो भी मैं अप्लाई करूंगा वो आप लोगों को यहां स्क्रीन पर प्रॉपरली दिखाई देगा आपको। दोस्तों जो सेटिंग मैं रख रहा हूं वही सेटिंग आप लोगों को रखनी है, यहां पर प्रॉपरली मेरे स्मार्टफोन की स्क्रीन आपको यहां पर दिखाई देगी। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाना है अपने प्ले स्टोर के अंदर, और प्ले स्टोर के अंदर आने के बाद आपको यहां पर सर्च करना है लेक्सिस। देखिए ऊपर आ गया है, यहां पर आप जैसे ही करेंगे लेक्सिस ऑडियो एडिटर आपको फर्स्ट या सेकंड नंबर पर आप लोगों को मिल जाएगा, और यहां पर सिंपली इसको आपको क्या करना है, यहां पर कर लेना है आपको इंस्टॉल। इंस्टॉल मैंने ऑलरेडी अपने मोबाइल फोन के अंदर किया हुआ है, आप लोगों को सिंपली क्या करना है यहां पर इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल ही ऑटोमेटिकली हो जाएगा। उसके बाद आपको एक सिंपल सा प्रोसेस है, ना इसमें कोई लॉग इन करना है ना कुछ करना है, डायरेक्ट ओपन करेंगे तो मैं यहां पर सिंपली ओपन कर रहा हूं। जैसे ही मैं इसे ओपन करूंगा हमारा मोबाइल थोड़ा सा सीधे से टेढ़ा हो जाएगा, तो ये इसी तरह वर्क करता है। इसका इंटरफेस है दोस्तों, इसका जो इंट्रोडक्शन है मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों देखिए सबसे पहले आपको यहां पे दिख रहा होगा ग्रीन कलर का बटन, ये प्ले करने के काम में आता है। उसके बाद में ब्लू कलर में पॉज दे रखा है, फिर रेड में रिकॉर्डिंग दे रखा है। बस हमारा इन तीनों का ही काम है और इसके अलावा हमें और कोई काम नहीं करना है। देखिए दो चीजें हैं आप लोगों के पास, नंबर वन ये कि आप इसी के अंदर रिकॉर्ड कर सकते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद एडिट कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है कि आप अपने जो ओरिजिनल एप्लीकेशन होता है रिकॉर्डिंग का उसको आप यूज में ले सकते हैं रिकॉर्डिंग पर्पस के लिए, और बाद में यहां पर क्या कर सकते हैं आप एडिट कर सकते हैं। तो मैं दोनों ही तरीके आपको बताने वाला हूं। जैसे मान लेते हैं सिंपली मैं अगर इसके अंदर कोई भी चीज रिकॉर्ड करता हूं, जैसे कि मैं यहां पर रिकॉर्डिंग शुरू करता हूं, लाल बटन पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही लाल बटन पे क्लिक करेंगे आपका अगर कोई पुराना इसमें प्रोजेक्ट होगा तो उसको ये कहेगा कि सेव करना है या नहीं। चूंकि मेरा थोड़ा सा पुराना इसमें था तो मैं इसे डिस्कार्ड करना चाहता हूं, तो आप बीच वाले पे आप सिंपली क्लिक कर देंगे, न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। तो जैसे कि मैं अपना कोई इंट्रोडक्शन इसमें बोलना चाहता हूं, देखिए। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्सा हो। जो भी मैंने इसमें बोला है वो मैंने इसमें रिकॉर्ड कर लिया है। अब रिकॉर्ड करने के बाद सुनकर देखते हैं एक दफा कि किस तरह से ये आता है। हेलो दोस्तों कैसे हैं आप, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्सा हो। तो ये हमारी रिकॉर्डिंग होगी दोस्तों। अब इस रिकॉर्डिंग के अंदर हमें क्या करना है, बहुत सारे इफेक्ट लगाने हैं। तो इफेक्ट कौन कौन से लगाने हैं सबसे पहले ये देख लेते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर सबसे पहले हमें नॉइस रिमूव करना है। नॉइस क्या होता है, बेसिकली जो हमारे इन्वायरमेंट में वॉइस होती है, जो हमारे सराउंडिंग वॉइस होती है, उन सबको क्या करता है कैप्चर कर लेता है। अगर हम विदाउट माइक इसमें बोलते हैं या माइक के साथ भी बोलते हैं तब भी ये रिकॉर्डिंग के थ्रू अपनी जो जितनी भी सराउंडिंग जितनी भी वॉइस होती है उसको कैप्चर कर लेता है। हो सकता है कोई सब्जी वाला जा रहा हो, कोई कुछ, या विंड या कुछ भी, इसमें ओवरऑल सब चीज की नॉइस आ जाती है। तो आप एक अच्छे से माइक्रोफोन के साथ ही इसको अप्लाई कीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहले हम तीन डॉट दिखाई दे रहे होंगे, आप इसमें क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद जाएंगे इफेक्ट के अंदर। इफेक्ट के अंदर जाने के बाद आपको सबसे पहले मिलेगा इसमें नॉइस रिडक्शन। तो नॉइस रिडक्शन पर क्लिक करेंगे, जो भी सेटिंग इसके अंदर मैंने रखी हुई है वही सेटिंग आप इसमें सेम ऐसे ही रख देंगे। इसमें आप लोगों को कुछ नहीं करना है, ये बिल्कुल फिट और सबकी आवाज
पर ये फिट हो जाएगी। अगर आपको फिर भी थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा लग रहा है तो आप सबसे टॉप वाली जो नॉब्स है उसको आप घटा या बढ़ा सकते हैं। यहाँ मैंने 33 रखा हुआ है, मतलब कि मेरे वॉइस के हिसाब से ठीक है। जितना मेरा यहाँ का इन्वायरमेंट है थोड़ा शांत है, जैसे कि आप सुन पा रहे हैं, तो उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक है। हो सकता है कि आप जंगल में शूट कर रहे हो, या हो सकता है आपके आसपास कोई बहुत सारा शोर शराबा हो, तो उसके लिए आप इसको घटा बढ़ा कर थोड़ा सा आप देख सकते हैं। तो मैं फिलहाल इसे अप्लाई करता हूँ यहाँ पर। अप्लाई करने के बाद जो भी नॉइस थी वो इसमें से खत्म हो जाएगी। अब इसे सुनकर देख लेते हैं थोड़ा सा। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद कर ठीक है। उसके बाद दोस्तों हमें सेकंड इफेक्ट क्या लगाना है, उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है नॉर्मलाइज। आपको अब यहाँ पर नॉर्मलाइज करना है, मतलब ऐसा हो सकता है, नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है कि कहीं पर आपकी आवाज़ बहुत कम होगी और कहीं पर बहुत ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से क्या होगा, सुनने में थोड़ा सा अजीब लगता है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइज जो ऑप्शन है वो ये काम करता है कि आपकी जितनी भी ऑडियो की फॉर्म होती है उसको ये इक्वल कर देता है। तो हम सिंपली इस पर क्लिक कर देंगे और ये ऑटोमेटिकली ही सबको बूस्ट भी कर देगा और कॉल भी कर देगा। आप सुनकर देखते हैं, इसे पीछे करते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद अब आता है हमारा तीसरे नंबर का इफेक्ट। तीसरे नंबर के इफेक्ट के अंदर अब आते हैं हम कंप्रेसर में। तो दोस्तों यहाँ कंप्रेसर मिल जाता है। अब ये कंप्रेसर क्या होता है, ज़्यादा आपकी जब बूस्ट हो जाती है वॉइस को तो थोड़ा सा उसको कम करना भी होता है। तो यहाँ पर मेरी वॉइस के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। आप अगर ज़्यादा इसके अंदर कुछ छेड़खानी करना चाहते हैं, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ज़्यादा छेड़खानी इसके अंदर ना करें। ज़्यादा अगर कुछ करना चाहते हैं तो ऊपर वाली नॉब्स को ही आप इधर उधर कर सकते हैं, इसके अलावा आप ज़्यादा कुछ मत कीजिएगा। मैं सिंपली अप्लाई करता हूँ। अप्लाई करने के बाद देखिए सब फॉर्म लगभग इक्वल हो जाएगी। अब उसके बाद हमारे तीन इफेक्ट यहाँ पर लग चुके हैं। तो चौथा ऑप्शन आता है दोस्तों इक्वलाइजर का। यहाँ पर इक्वलाइजर में आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर मैंने पहले से ही बहुत बेस्ट सेटिंग अपनी, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये मैंने पहले से ही करके रख रखी थी अपनी वॉइस के हिसाब से, और मैक्सिमम तौर पर ये सभी की वॉइस पर ही काम करेगी। और ये यूट्यूब की वन ऑफ द बेस्ट सेटिंग है। और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें इसमें सारे नॉब्स मिल जाते हैं। देखिए शुरू में 32 से लेकर के जितने भी आपके 250 तक ये जितने भी नॉब्स हैं ये आपके बेस होते हैं, और 250 से लेकर 2000 तक के ये आपकी जो होता है मिड टोन होती है, जो मिड टोन होती है। और उसके ऊपर जब आप जाएंगे तो ये बहुत जो झनकार वाली ट्यून होती है वो वाले नॉब्स हैं। तो ये मैंने अपने हिसाब से बिल्कुल ठीक, जो आपकी वॉइस पर भी सूटेबल होंगे, इसलिए मैंने ये इसको सेट करके पहले ही रखा हुआ है ताकि टाइम से बच सकें। तो ये सेटिंग आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है या फिर अपनी ये सेटिंग को कहीं लिख लेना है, नोट कर लेना है मतलब की। तो यहाँ पर इसे अप्लाई करेंगे और ये देखिए अब हमारी आवाज सुनते हैं। तो दोस्तों अब इस इफेक्ट के बाद में आपकी आवाज में बहुत जमीन आसमान का फर्क आने वाला है, तो देखते हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्साहो। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने कितने थोड़े से इफेक्ट के जरिए से हम लोगों ने कितनी अच्छी अपनी वॉइस अभी तक बना ली है। यहाँ तक इनफ है। अगर आप चाहें कि यहाँ तक ही हमें रखना है तो बिल्कुल रख सकते हैं आप लोग, लेकिन अगर एक स्टेप और आगे जाना चाहते हैं अपनी वॉइस को लेकर, तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर आप अपनी वॉइस का टेम्पो चेंज कर सकते हैं। मतलब अगर आप मान लीजिए कि अपनी वॉइस को आपने स्लो करना है और आपकी वॉइस पर इफेक्ट भी नहीं पड़ना चाहिए, मतलब कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम अपनी वॉइस को स्लो करते हैं तो हमारी आवाज ऑटोमेटिकली ही भारी होती चली जाती। तो अगर इस चीज से आप बचना चाहते हैं तो आपको यहां पर क्या करना होगा, टेम्पो में जाना होगा। चेंज टेम्पो करने के बाद जितना आप पीछे को लेकर जाएंगे उतनी आपकी आवाज की जो स्पीड है वो आपकी कम हो जाएगी, आवाज बिल्कुल सेम रहेगी, और आगे की तरफ लेकर जाएंगे तो स्पीड बढ़ेगी आपकी, लेकिन आपका क्या नहीं होगा, आवाज में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। तो जैसे हम लोग आगे की तरफ लेके जाना चाहते हैं, तो थोड़ा सा मैं देखता हूं यहां पर, मैं लेके जाता हूं 24 की तरफ। तो देखते हैं अप्लाई करके, अब देखते हैं सुनकर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्साहो। तो देखा आप लोगों ने, आवाज की फ्रिक्वेंसी वही रहेगी लेकिन जो इसकी स्पीड है वो आपकी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपके ये काम में आता है ऑप्शन तो इसे ले सकते हैं, लेकिन मेरे काम का नहीं है तो मैं इसे सिंपली क्या करूंगा, अंडू कर दूंगा, हमारी पहले वाली सेटिंग अप्लाई हो जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं और ऑप्शन देख लेते हैं। इफेक्ट में ही जाना है आप लोगों को, और इसके बाद में रिवर्स मिल जाता है, पिच मिल जाता है। पिच क्या होता है दोस्तों, अगर अपनी आवाज को आपको भारी करना है तो भारी भी कर सकते हैं, पतला करना है तो पतला भी कर सकते हैं। मैं अपनी आवाज में कोई भी चेंज नहीं करना चाहता, मुझे मेरी आवाज बिल्कुल
ठीक लगती है। उसके बाद टेम्पो हो चुका है, उसके बाद आप चेंज स्पीड। अगर अपनी वॉइस की स्पीड को आप चेंज करते हैं तो मैंने अभी बताया आपकी वॉइस जो है वो या तो भारी हो जाएगी या बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी। तो अप्लाई करके देखते हैं एक बार। अगर मैं देखिए यहाँ पर जीरो पर है अभी, अगर मैं आई को लेकर जाता हूँ तो बहुत पतली हो जाएगी और आवाज़ भी बिल्कुल बच्चों वाली हो जाएगी। तो देखते हैं, देख रहे हैं आप लोग जैसे कार्टून की वॉइस होती है ना, वैसी ही आपकी वॉइस हो जाएगी। तो मुझे ये नहीं रखना है, आप अंडू कर सकते हैं। हाँ, अगर आप लोगों का चैनल कोई कार्टून वाला है, उसमें वॉइस देनी है आप लोगों को और आप सिंगल एक कैरेक्टर हैं और आपको तरह तरह की आवाज़ें निकालनी हैं, तो वहाँ पर ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो सकता है। उसके बाद हम लोग दूसरा ऑप्शन पर देखते हैं क्या मिलता है। इफेक्ट में जाएंगे और इफेक्ट में जाने के बाद टेम्पो हो गया, स्पीड हो गया, नॉइस हो गया, कंप्रेशर हो गया, इक्वलाइजर हो गया। उसके बाद आता है इको। इको का मतलब आप अपनी आवाज़ में गुंजार डाल सकते हैं। तो जैसे आपका मान लेते हैं आपका सिंगिंग का चैनल है या आप अपनी वॉइस में, शायरी में, अपनी वॉइस में इको लगाना चाहते हैं तो यहाँ से आप वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा इको ना लगाएं आप लोग, उसकी जगह मैं आपको उसका अल्टरनेटिव बता रहा हूँ, रिवर्ब। यहाँ पर देखिए इसके नीचे इको के नीचे ही रिवर्ब मिल जाएगा आपको, इस पर आप क्लिक कीजिए और क्लिक करने के बाद जो आपकी सेटिंग है मैं आपको बता देता हूं। देखिए अगर आपका पॉडकास्ट वाला चैनल है, जैसे मैं आप लोगों से इस वक्त बात कर रहा हूं, तो इसमें इको अच्छा नहीं लगेगा। यहां पर आपको नॉर्मल वॉइस अच्छी लगेगी। अगर मैं इको इसमें लगा देता हूं तो बहुत ऑकवर्ड सी वॉइस हो जाएगी जो सुनने में और दूसरों को सुनाने में बहुत ज़्यादा अजीब लगेगी। तो इसलिए यहाँ पर हम नॉर्मली वॉइस लेंगे। लेकिन मान लेते हैं आपका चैनल शायरी का है या आप लोग नात शरीफ पढ़ते हैं या आप लोग मतलब ऐसा चैनल है जिसमें इको की ज़रूरत पड़ती है आप लोगों को, तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जो मैंने सेटिंग रखी हुई है ये आप लोगों की इको के लिए है, बोलने के लिए या शायरी या पोइट्री का चैनल है तो उसके लिए अप्लाई करते हैं। अप्लाई करने के बाद देखिएगा आप कितना इफेक्ट आता है। शुरू करते हैं और देखिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुहेल खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल टेक्साहो। तो दोस्तों देखा आप लोगों ने यहां पर कितनी खूबसूरती से एक इको ऐड हो गई है जो कि सुनने में बहुत अच्छी लगती है। लेकिन ये सिर्फ वहीं पर अच्छी लगेगी जहां पर आप लोग अपना शायरी के चैनल में अप्लाई करते हैं या फिर पोइट्री के चैनल में अप्लाई करते हैं। ये नॉर्मल बातचीत में आप अगर इस तरह की इको डालते हैं आप लोग तो वो अच्छा सुनने में नहीं लगता है। उसके बाद कोई अदर इफेक्ट देख लेते हैं। उसके बाद कोई मैं समझता हूँ खास कोई इसके अंदर इफेक्ट है नहीं, आपको और कुछ अप्लाई करना नहीं है। मान लेते हैं कि मुझे खैर ये इको नहीं रखना है तो मैं सिंपली ऐसी रख। हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो अब हमें मान लेते हैं कि ये हमें सेव करनी है। तो सेव करने के लिए सिंपली आपको ऊपर की तरफ दिख रहे होंगे दो ऑप्शन, यहाँ पे क्या मिल रहा होगा, एक आपको ओपन दिख रहा है और दूसरा आपको दिख रहा है सेव। तो यहाँ सिंपली आप लोगों को सेव करना है, सेव कर दिया। और सेव करने के बाद में आप यहाँ पर इस फाइल का कोई भी एक नाम दे सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक नाम दे देता हूँ यहाँ पे, मान लेते हैं SSSS। तो दोस्तों यहाँ फाइल का नाम देने के बाद में आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर अपनी फाइल चूज कर सकते हैं जहाँ पर भी आपको इसको अपलोड करना है। तो मान लेते हैं मुझे इसी फोल्डर के अंदर जैसे म्यूजिक में मैं इसको सेव करना चाहता हूं। यहां पर फाइल आप इनमें से जो चाहें वो सेव कर सकते हैं सिवाय MP3 के, क्योंकि MP3 के लिए आपको ये एप्लीकेशन परचेज करना होगा। चूंकि हम इसे फ्री में अप्लाई कर रहे हैं तो हम यहां पर MP3 इस्तेमाल नहीं ले सकते। तो यहां पर आप या तो WAV में इस फॉर्मेट में आप लोग इसे सेव कर सकते हैं या M4A में इसे आप सेव कर सकते हैं। तो मैं रिकमेंड करूंगा आप इसे सिंपल ऐसे रहने दीजिए। प्ले स्टोर से कोई भी आप कन्वर्टर MP3 कन्वर्टर डाउनलोड कर सकते हैं और उसे फाइल कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैं सिंपली से यहीं पर सेव कर देता हूँ और सेव करने के बाद अब देखते हैं हम इसे गैलरी में जाने के बाद कि हमें कहाँ मिलेगी। तो अब हम चलते हैं सीधा फाइल मैनेजर के अंदर और फाइल मैनेजर में आने के बाद इंटरनल स्टोरेज में, और यहाँ पर आप नीचे देखेंगे एक म्यूई के नीचे मिलेगा आपको म्यूजिक, और म्यूजिक में आने के बाद आपको यहाँ पे देखिए देख सकते हैं आप SS नाम से एक फाइल मिल जाए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे हो। तो दोस्तों इस तरह से हम अपनी ऑडियो को रिकॉर्ड करते हैं और एडिट करते हैं अपने मोबाइल से। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। जिनका यूट्यूब चैनल है या जो अपनी शायरी चैनल चलाते हैं मोबाइल से एडिटिंग करना चाहते हैं, उनके पास कंप्यूटर नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, तो आप यहां से इसको काम में ले सकते हैं। बिल्कुल प्रॉपर वही चीज़ है, सब चीज़ है। अब हमें देखिए, अब हम दूसरे मेथड की तरफ आते हैं। दूसरा मेथड क्या कहता है कि अगर आप लोग इस एप्लीकेशन में वॉइस रिकॉर्ड नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपके मोबाइल फ़ोन के अंदर ही एक बहुत ही अच्छा सा एप्लीकेशन आता है जिससे हम अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे सिंपली यहां मेरे पास में वॉइस रिकॉर्डर आप देख ही सकते हैं, ये रहा, और यहां पर मैंने पहले से ही बहुत सारे प्रोजेक्ट बना रखे हैं। अब मैं जैसे अपनी एक आवाज रिकॉर्ड कर लेता हूं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और मैं यहां पर रिकॉर्ड कर रहा हूं अपनी वॉइस को चेक करने के लिए। तो दोस्तों ये वॉइस मैंने सैंपल के तौर पर अभी रिकॉर्ड की है, अब सुनकर देख लेते हैं इसमें क्या आया है।
हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और मैं यहाँ पर रिकॉर्ड कर रहा हूँ अपनी वॉइस को चेक करने के लिए। तो यहाँ पर ये हमारी वॉइस रिकॉर्ड हो चुकी है। आप चाहें तो इस पर टैप करके आप अपना रीनेम लिख सकते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग डाल देता हूँ और रिकॉर्डिंग डालने के बाद अब यहाँ से क्या करना है, सिंपली बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। इस पर आप टैप करेंगे, टैप करने के बाद आपको मिलेगा सेव एज। सेव एज जहाँ पर भी मांगे आपको वहाँ पर क्या कर देना है, इसको सेव कर देना है। लेकिन इसका पाथ देख लीजिए, ऊपर रेडमी में आप जाएंगे तो रिकॉर्डिंग के अंदर आप लोगों को ये पाथ मिलेगा, या अपनी तरफ से कोई भी आप यूज़ दिस फोल्डर या फिर आप अपनी तरफ से कोई सा भी कहीं पर भी इसको भेज सकते हैं। तो मैं MIUI के अंदर यहाँ पर रिकॉर्डर फाइल के अंदर देख सकते हैं आप, ऐप रिकॉर्डर के अंदर मैं इसमें डाल रहा हूँ और यहाँ पर मैं यूज़ कर देता हूँ एलाउ। उसके बाद आपको कहाँ मिलेगी, मिलेगी आपको वहीं यहाँ आ जाइए, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर क्लिक करने के बाद MIUI के अंदर आएंगे, उसके बाद में साउंड रिकॉर्डर में आएंगे और ऐप रिकॉर्डर के अंदर देखिए रिकॉर्डिंग मिल गई। अभी सुनकर देख लेते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल खान और मैं यहाँ पर रिकॉर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये आई है M4A में। अब इस M4A को पहले MP3 में आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी जाकर ये आपके लेक्सिस ऑडियो एडिटर के अंदर ये वर्क करेगा। कोई भी एक कन्वर्टर डाउनलोड कर लेना है तो सिंपली मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कौन सा कन्वर्टर आप डाउनलोड करेंगे। यहाँ प्ले स्टोर पर आएंगे और यहाँ लिख देंगे MP3 कन्वर्टर या ऑडियो कन्वर्टर लिख दीजिए आप, ऑडियो कन्वर्टर। जैसे ही आप डालेंगे आपको यहाँ बहुत सारे मिल जाएंगे, तो यहाँ से जो चाहें आप वो डाउनलोड कर सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप डाउनलोड कर लीजिए। सिंपली मैंने एक यहाँ पर डाउनलोड किया हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये हैगा वीडियो कन्वर्टर है, ये वीडियो के अंदर ऑडियो भी आ जाती है मेरी। तो यहाँ पर आप देखेंगे ऑडियो कन्वर्टर ये मिल जाता है मुझे और यहाँ से मैं उसी फोल्डर के अंदर चला जाऊँगा जहाँ पर ये थी। तो देख सकते हैं आप यहाँ थे फाइल में, फिर MIUI के अंदर थे और यहाँ साउंड रिकॉर्डर के अंदर थे और उसके अंदर ऐप रिकॉर्डिंग के अंदर ये आप देख सकते हैं, ये रही मेरी फाइल। इसे नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली फॉर्मेट को MP3 चूज़ कर लेना है ताकि हमें MP3 में कन्वर्ट हो सके, और नीचे सिंपली आप कन्वर्ट पर क्लिक करके स्टार्ट कर देंगे। अब ये आपकी फाइल कन्वर्ट हो चुकी है MP3 के अंदर। अब सिंपली आप कहाँ मिलेगी आपको, जो फाइल मैनेजर में आएंगे आप, ये आ गए और यहाँ पर आप एक बार इसे रिफ्रेश करेंगे इस तरह से, तो ऊपर ही आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग आपकी जिस नाम से भी आपने सेव की थी। तो MP3 देखिए इसके नीचे लिख के आ रहा है, अब मैं आपको बता देता हूँ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सुहेल, ये वही फाइल है जो मैंने अभी रिकॉर्ड करके कन्वर्ट की है। अब इसे सिंपली क्या करेंगे आप, यहाँ पे क्लिक करके सेंड करेंगे, यानी कि अपने एप्लीकेशन के अंदर इसे लेकर जाएंगे। तो एप्लीकेशन देखिए हमारा ये रहा लेक्सिस, इस पर आप क्लिक कर देंगे। अब ये देखिए आपकी फाइल आ चुकी है, अब इसे सिंपली सुनकर देखते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको सारे के सारे फंडे वही अप्लाई करने हैं जो मैंने इससे पहले वाली ऑडियो में अप्लाई किए थे। तो बहुत ही सिंपल सी वीडियो थी दोस्तों, इसको कॉम्प्लिकेटेड ना समझें आप लोग, एक दो बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और 2 या 3 बार आप इस वीडियो को बार बार देखेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, तो आपको ये सब चीज़ समझ में आने लगेगी और एक दिन आप इस चीज़ के हीरो बन जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।